दल जो है खत्म हो चुका है। बेचारे नीतीश कुमार जी से बिहार संभल नहीं रहा, अपराधी जो है खुलेआम घूम रहे हैं। नीतीश कुमार जी जो है गृह मंत्री भी हैं, उनके पास डिपार्टमेंट भी है, पुलिस महकमा है, लेकिन लगातार जो है अपराध बढ़ता जा रहा है, अपराधी के मन में डर नहीं रह गया है। और जब पुलिस प्रशासन का ट्रांसफर पोस्टिंग मुख्यमंत्री के चमचे बेलचे करते हो तो आप क्या अपेक्षा की जा सकती है। हम लोग शुरू से ही इस बात को कहते रहे हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग जो बिहार में पुलिस महकमे का होता है, कुछ खास लोग जो हैं, जो प्रशासन के प्रशासनिक जो लोग हैं, वही कुछ खास लोग जो है करते हैं। डीजीपी की सुनी नहीं जाती है, डीजीपी का रिकमेंडेशन माना नहीं जाता है, क्योंकि डीजीपी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। और जब डीजीपी जब कहता है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेके एसपी, एसएसपी, आईजी, डीएसपी का जब रिकमेंडेशन मुख्यमंत्री को दिया जाता है, तो मुख्यमंत्री के कुछ चमचे बेलचे जो है उस रिकमेंडेशन को ना मानते हुए अपने हिसाब से बिहार में ट्रांसफर पोस्टिंग किया जाता है। और ट्रांसफर पोस्टिंग जो है वो क्यों किया जाता है, कैसे बिहार में हो रहा है, ये बिहार की जनता भली भांति जानती है। बिना चढ़ावे दिए हुए एक भी ट्रांसफर पोस्टिंग बिहार में नहीं होता है। और इस जरिए जो है पुलिस महकमा जो है दिन प्रतिदिन जो है लूट में लगा हुआ है, बल्कि अपराधियों को पकड़ने में लगना था तो ये लोग खुद जो है दूसरे चक्कर में फंसे हुए लोग हैं। तो इसलिए नीतीश कुमार जी का इकबाल खत्म है। बिहार में लगातार रेप की घटनाएं, किडनैपिंग, जनप्रतिनिधियों की हत्या, लूट, बलात्कार, बैंक की डकैती हर जगह हो रहा है। तो इसको लेकर के राष्ट्रीय जनता दल जो है महागठबंधन, हम लोग मजबूती से इस बात को लगातार उठा रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि इस परिवार को जो है न्याय मिले। और राष्ट्रीय जनता दल सदैव इस परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। आप हमेशा जब भी क्राइम कंट्रोल की बात करते हैं तो